हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज का जो मेरा ये वीडियो है, ये ऑनलाइन फेक कॉल्स, ऑनलाइन चीटर्स, ऑनलाइन फ्रॉड, इसके बारे में है। और दूसरा टॉपिक ये होगा, पहला टॉपिक तो वो है, दूसरा टॉपिक ये होगा कि स्ट्रेंजर से वीडियो कॉल में बात करना। आजकल के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ये हो रहा है कि कोई फिनेंशियली बहुत टॉर्चर हो जाते हैं इसमें, कि जैसे कि मेरे साथ ही हुआ है। मेरे घर में दो कॉल आया, पहले तो मेरे वाइफ के पास आया कि हम लोग गैस ऑफिस से बात कर रहे हैं कि जब कोविड चल रहा था तो इस लॉकडाउन के टाइम में आपके अकाउंट के लिए गैस ऑफिस से ये कॉल है, आपके अकाउंट में कम से कम 6,500 से 7,000 रुपया जो है आने वाले हैं, जो मैं हम लोग के पास है, तो आप लोग अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स दीजिए, तो आप हम लोग क्या करेंगे उस बैंक उसमें आप लोग का पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। एक कॉल ये मेरे वाइफ के पास आया था, सेम टू सेम कॉल मेरे भाभी के पास आया था कि हम लोग गैस ऑफिस से बात कर रहे हैं, जबकि ये कॉल गैस ऑफिस से नहीं था, ये एक फ्रॉड कॉल, ऑनलाइन चीट कॉल था कि आप हमको अपना अकाउंट डिटेल्स दीजिए, आपके नाम का सब्सिडीज़ जो है वो पैसा मेरे हम लोग के पास पड़ा हुआ है बेकार में, ये बाद में गवर्नमेंट के पास रिफंड चला जाएगा, तो आप लोग अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स दीजिए जिसमें हम लोग ये पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उनको जब ये समझ में आया तो वो उन्होंने ये कॉल हमको दिया बात करने के लिए, तो वो दे डोंट वांट टू टॉक विथ मी कि हस्बैंड के साथ बात करेंगे, फिर सारा डिटेल्स बताना होगा, फिर बहुत बड़ा बात है। तो फिर भी मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती बात किया उन लोगों से कि क्या बात है बोलिए। तो उन्होंने कहा कि आप जब कोविड चल रहा था तो लॉकडाउन के टाइम में आप लोग का जो ये था, क्या कहते हैं, सब्सिडीज था, वो 6,500 से 7,000 रुपये अप्रोक्स होगा आप लोगों का आया हुआ है, आप लोग अपना बैंक का डिटेल्स दीजिए तो हम लोग उस बैंक उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने तब उसको बोला कि आपका जो गैस ऑफिस है, दलकोला का जो गैस ऑफिस है, वहाँ का वहाँ पे आप वहाँ से बात कर रहे हो? तो बोला हाँ। तो मैंने बोला कि वहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट जॉब करता है, उसके साथ मेरा बात करवा दीजिए। तो बोला कि देखिए, हम लोग मेरे अंडर में कोई ऐसा कोई काम नहीं करता है, हम अकेले ही हैं ऑफिस में, और अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो फिर हम बाद में गैस ऑफिस को मत बोलिएगा। तो हमको तो समझ में आ गया, लेकिन ज़्यादातर इंसान है जो कि इस बारे में जानकार ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं होता है, तो वो 6,500 से 7,000 रुपया सब्सिडी के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपना सारा डिटेल्स दे देते हैं। एक तो ऐसे हो सकता है फ्रॉड कॉल्स, दूसरा होता है कि कोई फ्रेंड्स के नाम पे, जैसे कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त के साथ हुआ था कि कोई एक डीपी में, व्हाट्सएप का डीपी में लगा हुआ था मेरा दोस्त का फोटो, और उसी के पड़ोसी को फ़ोन करके बोला गया था कि हम बहुत मुसीबत में हैं, हमको कुछ पैसा का ज़रूरत है, आप हमको, हम आपका अकाउंट नंबर देते हैं, उसमें आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो जो पड़ोसी था वो तो अच्छे से, वो लोग इस फ्रॉड कॉल के बारे में जानते थे, तो वो मेरे दोस्त के घर में आए, डायरेक्ट आके बात किए कि भाई आपने हमको कॉल किया था, आपका व्हाट्सएप में डीपी में आपका फ़ोटो है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसा कोई कॉल नहीं किया, मेरा दोस्त बोला मैंने तो ऐसा कोई कॉल नहीं किया। तो अगर वो लोग उसको पैसा ट्रांसफ़र कर देते कि मेरा दोस्त को समझ के वो मुसीबत में है, तो फिर ये पैसा वो फ्रॉड हो जाता, चीट हो जाता। तो आप लोग कभी भी, आप लोग के पास कोई भी ऑनलाइन मोबाइल में कॉल आता हो, हमेशा याद रखिए कि कोई भी एजेंसीज, कोई बैंक, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग को वो बुलाएगा कि ब्रांच विजिट कीजिए, आपका ऐसा प्रॉब्लम है तो आपका अकाउंट में ये प्रॉब्लम चल रहा है या फिर कुछ इश्यूज है, तो आप आके ब्रांच में शॉर्ट आउट कीजिए। वो लोग कभी भी आप लोगों से आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछेगा, बैंक कभी फ़ोन में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछेगा, एक दूसरा आपका आधार नंबर नहीं पूछेगा, तीसरा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, बैंकिंग नंबर नहीं पूछेगा, चौथा आपके पास कोई OTP वो लोग भेजेगा भी नहीं। इस ये सब आप लोग जानकारी रखिए कि आप लोग एक काम कर सकते हैं, हमेशा हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे अभी फेसबुक में देखते हैं कि बहुत सारे जैसे ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हो गया या फिर कोई हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, तो इस तरह का बहुत कोई अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं कि मैं काम करता हूँ या फिर मेरा ये, जैसे मेरा वाइफ का ही है, मेरा अकाउंट है कि वो ब्राइडल मेकअप करती हैं, तो कॉन्टैक्ट ओकेशन के लिए, मेकअप के लिए, पार्टी मेकअप्स के लिए आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। तो आप लोग नंबर दो रखिए मोबाइल नंबर हमेशा, एक नंबर बैंक में रजिस्टर्ड कीजिए, बैंक में जितने सारे नंबर है, जितने सारे बैंक अकाउंट है उसमें जो आप लोग नंबर रखिएगा मोबाइल नंबर, वो आप लोग किसी को भी प्रोवाइड मत कीजिए।
और दूसरा एक नंबर रखिए जो आप सोशल मीडिया के साथ लिंक कीजिए। तो आप लोग ना ज्यादातर वो बैंक अकाउंट में जो नंबर होगा उसको सिर्फ बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए ही रखें, और जो सबके साथ बात करने के लिए या फिर जनरल पर्पस के लिए जो आप लोग यूज करोगे सोशल मीडिया में जो नंबर यूज करोगे वो नंबर आप लोग सबको दो, लेकिन बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो अभी आप कभी मत दो। देखो आप लोग का फेसबुक अकाउंट से डेट ऑफ बर्थ पता चल जाता है, आप लोग का मोबाइल नंबर किसी किसी का जो फेसबुक अकाउंट में या फिर सोशल मीडिया में जो बैंक बैंकिंग नंबर जो नंबर होता है वही नंबर बैंकिंग नंबर भी होता है। तो इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है कि वो लोग को आपका मोबाइल नंबर पता चल जाता है, आपका डेट ऑफ बर्थ पता चल जाता है, आपका एड्रेस पता चल जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा इस तरह से करो कि ऑनलाइन कोई भी आपसे आधार कार्ड नंबर मांगे मत दो, आपका डेट ऑफ बर्थ मांगे मत दो, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बैंकिंग नंबर मांगे वो मत दो, ठीक है। ये सब शेयर मत करो, ओटीपी तो खासकर शेयर मत ही करो। तो इससे क्या होता है ना कि आप लोग को पता भी नहीं चलता, इस तरह का वो लोग ट्रैप सिचुएशन क्रिएट करता है, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि आपको लगेगा कि हाँ जब एक्चुअली हम कोई जैसे कि विदेश से कोई पार्सल आया है आपका और वो हम लोग को लग रहा है कि ये कोई इलीगल पार्सल है आपके नाम पे है, तो आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह दो, आपका आधार कार्ड नंबर दो, हम वेरीफाई करेंगे कि ये पार्सल आपका है या दूसरा किसी का है। तो आप लोग डर से इनकम टैक्स ऑफिस से फोन आया या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिस से कोई ऑफिसर फोन किया, कस्टम्स फोन किए, तो आप लोग को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई ऑनलाइन डिटेल्स आपके बारे में पूछे आप लोग कुछ भी डिटेल्स शेयर मत करो। सबसे पहले तो आप फोन को कट कर दो, उसके साथ अगर डाउट हो तो बात ही मत करो, अगर बैंकिंग रिलेटेड है तो आपका नियरेस्ट ब्रांच में जाके विजिट करो, और कभी भी अपना पर्सनल डिटेल्स शेयर मत करो। तो इस तरह से आप लोग बच सकते हो। और सबसे पहले मैंने जो बोला कि आप लोग अपना बैंकिंग नंबर और जनरल पर्पस नंबर जो है वो दोनों अलग कर लो, बैंकिंग नंबर किसी को भी शेयर मत करो, उसको सिर्फ अपना बैंकिंग पर्पस के लिए यूज करो। अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग फोन पे में जो नंबर यूज करते हैं वो अगर सामने वाले पार्टी को देंगे नहीं तो वो हमको पेमेंट कैसे करेगा। तो रेयर केस होता है, सबको आप लोग फोन पे नंबर देते नहीं हो, कि जो जिस जो भरोसामंद होता है कि हाँ ये हमको पैसा पेमेंट करेगा तो आप लोग उसी को देते हो ना, तो सबको ही को तो आप फोन पे नंबर आप देते नहीं हो। तो ये हमेशा याद रखना है कि ऑनलाइन फ्रॉड इस तरह का सिचुएशन, ऑनलाइन जो आप लोग से चीट करना चाहता है वो लोग आपके सामने इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आप मजबूर हो जाओगे सिचुएशन देख के कि आप लोग अपना डिटेल्स दो। लेकिन ये गलती दोस्तों कभी मत करो कि अपना आधार कार्ड, आपका रजिस्टर्ड बैंकिंग नंबर, कोई भी आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एक्चुअल करेक्ट एड्रेस, या फिर आप सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है अभी तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी हो गया, ओटीपी आता ही होगा, ओटीपी तो किसी भी हालत में शेयर मत करो। आपको कितना भी डराए कि आप फंस जाओगे, आप जेल हो जाएगा, आपका अकाउंट सीज हो जाएगा, आपका एटीएम ब्लॉक हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आपका इतना रुपया बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है वो सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं होता है। तो आप लोग अगर कोई गलती नहीं करते हो तो आपको डरने का कोई बात नहीं है। आप लोग जस्ट उस जिस ऑफिस से वो फोन वो लोग जिस ऑफिस का नाम लेता है उस ऑफिस में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप 1930 में साइबर सेल का जो नंबर है 1930 में कॉल करो, कॉल करके आपका प्रॉब्लम बताओ कि ऐसा इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई हमको कॉल कर रहा है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये था एक टॉपिक, ये था ऑनलाइन फ्रॉड या फिर ऑनलाइन चीट के बारे में। दूसरा एक टॉपिक है जो भी जो आज आजकल बहुत पॉपुलर है, स्पेशली दिस इज फॉर टीनेजर्स, तो ये फिशिंग होता है। एक्चुअली होता क्या है कि आपके पास मान लो कि वीडियो कॉल आता है, तो अगर वो वीडियो कॉल कोई जान पहचान का इंसान करता है जिसके साथ आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, तो अगर आप इफ यू नो कि आपका ये कॉल जो आया है कोई भरोसेमंद सोर्स से ही आया है तो आप वो वीडियो कॉल रिसीव करो। और अगर कोई ऐसा कॉल आता है जो जिस आदमी को आप पहचानते नहीं हो, वो नंबर आपका फोन बुक में सेव नहीं है, नंबर आपको थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, तो आप उस वीडियो कॉल को रिस्पॉन्स कभी मत करो। आप लोग को वो ये वीडियो कॉल होता क्या है कि आप किसी भी सिचुएशन में रहो कि आप उसके साथ जब वीडियो कॉल में बात करते हो वो लोग आपका वीडियो और उनके उनका जो बात होता है जो वीडियो कॉल होता है उसको इस तरह से एडिट कर देगा कि आप
बाद में उनके उनके चंगुल में आप फंस जाओगे, वो आपको ग्रिप में ले लेगा कि आप वो जो भी बोलेगा आप वो करने में मजबूर हो जाओगे। सबसे पहला प्रॉब्लम तो होगा कि आपसे वो पैसा मांगेगा बार बार कि इतना रुपया दो, नहीं तो आपका अकाउंट के साथ रिलेटेड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबके पास ये वीडियो शेयर कर देंगे तो आप फंस जाओगे। तो लड़की हो या लड़का हो, दोनों को, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा है, मेरे पास ऐसा कॉल आया या फिर आया कि आप अगर आपके साथ ये फ्रेंड है ये ऐसा ऐसा करता है, ठीक है, आप उसका वीडियो आपको सेंड कर रहे हैं, आप मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट रिसीव करो तो आपको हम जो है ये वीडियो भेज देंगे। तो ये एक्सपीरियंस हम लोग कर चुके हैं। एक्चुअली मेरा जो एक्सपीरियंस है ये, मैं 1997 से कंप्यूटर सीख रहा हूँ और 2000 से मैं कंप्यूटर सिखा रहा हूँ, मतलब अप्रोक्स 24 ईयर्स या फिर 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहे हैं। जिस तरह से ऑनलाइन अभी जा रहा है, डीप फेक, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी भी तरह से आपका साउंड मॉडिफाई करके या फिर आपका वीडियोस को एडिट करके इस तरह से वो लोग स्प्रेड कर देंगे कि आप, या फिर आपको दिखा देंगे कि आप तब एकदम से फंस जाओगे कि हाँ ये मेरा ही वीडियो है या फिर। सो आप लोग ना कोई भी अननोन सोर्स से आया हुआ कॉल को रिसीव मत करो, ये मेरा रिक्वेस्ट है, एडवाइस है या फिर सलाह मशवरा है, वेल विशर के हिसाब से, आपका शुभचिंतक के हिसाब से आप लोग समझ सकते हो, मान सकते हो कि मैंने ये आप लोगों से रिक्वेस्ट किया कि कभी भी कोई भी अननोन सोर्स से वीडियो कॉल रिसीव मत करो। अगर आपका आपको लगता है कि ये मेरा कोई जान पहचान का आदमी से हो सकता है तो आप कॉल को कट करो, कट करके अगर कोई बोलता है कि हम वो बोल रहे हैं तो उसका कोई नंबर आपके पास होगा, उसको नॉर्मली वॉइस कॉल करो, वॉइस कॉल करके उससे पूछ लो कि तुम अगर आप अगर वीडियो कॉल कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, ये नंबर आपका मेरे पास नहीं है, तो फिर आपको ना सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो अननोन सोर्स से कोई भी वीडियो कॉल रिसीव मत करो, आपका वीडियो कॉल को इस तरह से एडिट कर देगा वो लोग ताकि आप लोग उस वो लोग के ग्रिप में आ जाओ, आप लोग को बाद में ब्लैकमेल करे, आप लोग को उस कॉल के, अपना मतलब कितना भी भरोसामंद आदमी हो, आपका आपका पर्सनल सिचुएशन, पर्सनल चीज कभी मत शेयर करो वीडियो में। वो लोग क्या करेगा उस वीडियो को एडिट करके, ये नॉर्मल बात है, आम बात है, हर एक दिन हम देख रहे हैं, हर एक दिन हम सुन रहे हैं कि इसके पास वीडियो कॉल आया, उसके पास वीडियो कॉल आया, वीडियो को एडिट कर दिया, एडिट करके अभी उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो आप ना उसको सबसे पहले तो अननोन वीडियो कॉल्स, अननोन कोई आदमी जिसका DP में उसका अपना फोटो नहीं हो, या फिर एक्चुअली फोटो भी अभी डाउनलोड करना एक आम सा बात हो गया कि फेसबुक से हम किसी का भी फोटो को डाउनलोड करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेके उसका एक फेक आईडी बना के, लगेगा आपको कि आपका ये फ्रेंड है या फिर रिलेटिव है। तो किसी से भी अननोन सोर्स से कोई भी वीडियो कॉल रिसीव मत करो, आप बुरी तरह से फंस सकते हो, यहाँ तक कि आपका लाइफ भी जा सकता है, इस तरह का सिचुएशन वो लोग क्रिएट करता है। तो मेरा ये बात मानो, आप लोग को मैं ये दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी अननोन सोर्स से वीडियो कॉल रिसीव मत करो। और लिंक, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, लिंक को शेयर करते हैं, तो लिंक में टैप करने से आपका मोबाइल हैक हो सकता है। तो लिंक, कोई भी लिंक जो आपका कोई काम का नहीं है, आप उस लिंक को टैप मत करो, मतलब टच करके उसको अपना मोबाइल में ओपन करने का कोशिश मत करो। अगर आपको पता है कि ये लिंक मेरा काम का है या फिर कोई भरोसामंद आदमी भेजा है, लेकिन भरोसामंद आदमी भी आपको शेयर कर सकता है जो कि शायद सामने वाला को भी पता नहीं है कि ये लिंक आपको भेजने से उसका मोबाइल तो हैक हो ही चुका है, आपका मोबाइल भी हैक, यहाँ तक कि आपका कैमरा भी, आपका आपको लगेगा कि आपका मोबाइल बंद है, आपका माइक बंद है, आपका कैमरा बंद है, लेकिन उस पोजीशन में भी कैमरा और माइक काम करते रहेगा, हैक हो जाता है मोबाइल। तो आप लोग ना कोई भी अननोन सोर्स से, कभी भी स्ट्रेंजर से ज़्यादा देर बात मत करो। अगर आपको डाउट होता है तो फ़ोन को कट कर दो, फ़ोन को ब्लॉक कर दो और तुरंत ही आपका नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे रिपोर्ट करो या फिर साइबर सेल में कंप्लेन करो। और अगर आप लोग को कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है और एंड यू नीड हेल्प, देन यू कैन कॉल मी, आप हमको भी कॉल कर सकते हो, मैं अगर कर सकता हूँ आप लोग को भी कोई ना कोई हेल्प कर दूंगा, कोई ना कोई एडवाइस कर दूंगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि वीडियो कॉल्स में नहीं फंसना है, वीडियो कॉल्स अभी बहुत डेंजरस है। वीडियो कॉल्स मतलब फैमिली वीडियो कॉल्स वो तो अलग बात हो गया, जो कि जबकि जैसे कि मैंने बोला, कोई भी स्ट्रेंजर से कोई भी वीडियो कॉल रिसीव ना करे, रिसीव ही ना करे।
आप नॉर्मल भी ऐसे आप बोलोगे कि मैंने तो एकदम नॉर्मल खाना खा रहा था या फिर घर का काम कर रहा था तभी मैंने वीडियो कॉल रिसीव किया था, उसी वीडियो कॉल को बोलोगे इस तरह से एडिट कर देगा कि वो आप बुरी तरह से फंस जाओगे। तो अननोन सोर्स से कॉल, डाउटफुल कॉल, या फिर जो मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है वो लोग वो बात, ऐसा तो हो ही सकता है कि कोई ऐसा आदमी आपको फोन करे कि जिसका नंबर आपका मोबाइल में सेव नहीं है लेकिन वो आपका जान पहचान का है, लेकिन ऐसा कोई बातचीत जिससे आपको डाउट हो कि आपका पर्सनल चीज वो लोग मांग रहे हैं, फोन नंबर मांग रहे हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, बैंक अकाउंट नंबर मांग रहे हैं, एटीएम पिन मांग रहे हैं, एटीएम कार्ड का नंबर मांग रहे हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड का नंबर मांग रहा है, क्रेडिट कार्ड का पिन मांग रहा है, या फिर ओटीपी आपके मोबाइल में आया वो शेयर करने के लिए बोल रहा है, तो इस तरह का कोई भी चीज़ आप पर्सनल चीज़ कभी भी शेयर मत करो। और अपना आप तो कभी कोई लिंक में, अननोन लिंक में टैप मत करो, या फिर अपना आप लोग कोई वीडियो कॉल को रिस्पॉन्स मत करो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि हम लोग अपने आस पड़ोस के, अपने भाई बंधुओं को, अपने बहन लोग को, अपने रिलेटिव्स लोग को ऑनलाइन फ्रॉड या फिर ऑनलाइन चीटर से बचा सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।